हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे सिरप का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो सिरप एक है पर इसके काम दो हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं इस सिरप के बारे में। तो मेनली देखा जाए मैफ काइंड फोर्ट इसका नाम है और मैन काइंड कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो पैरासिटामोल एंड मेफकैनिक एसिड सस्पेंशन है। तो जो पैरासिटामोल हम सबको पता है, इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं फीवर एंड पेन रिलीफ के लिए, और मेफकैनिक एसिड जो है पेट दर्द के लिए, जो पेट में अकड़न होता है या मरोड़ होता है, या कह सकते हैं पेट में किसी भी वजह से इसको पेन हो रहा हो, इन्फेक्शन की वजह से या गैस की वजह से, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखा गया उस कंडीशन में। डॉक्टर उन्हीं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं बच्चों पेडियाट्रिक वाले डॉक्टर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उन्हीं बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको देखते हैं बुखार की और पेट दर्द की समस्या होती है, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दो सिरप की जगह एक ही सिरप देते हैं, उसका काम बन जाता है, नहीं तो अलग अलग इसको बुखार की दवा अलग, पेट दर्द की दवा अलग देनी पड़ती है। तो इसमें दोनों फार्मूला है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। अब इसके डोज एंड ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो डोज एंड ड्यूरेशन जो है अकॉर्डिंग टू वेट, एज और बीमारी के हिसाब से होता है, ऐसे नहीं बताया जा सकता इसको। और आपके माइंड में अगर कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करिए, इसको 24 घंटे के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, जितना जल्दी हो सके आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से पता लगता है आप लोग मतलब पसंद कर रहे हैं वीडियो को, और वीडियो आपको ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, तो ऐसा तो कोई इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इसको लेने के बाद अगर बॉडी में इचिंग दाने या रिएक्शन कर जाता है, उस कंडीशन में इसको लेना बंद कर दें, डॉक्टर से मिलें, उसको बताएं ताकि इसका एलर्जी के जो इसका रिएक्शन हुआ है इसका दवा अलग से दे सकें। हालांकि ऐसा देखा नहीं गया है, बहुत रियर चांस आता है बच्चों में। तो अगर नॉलेज मेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से जो है नोजिया, वोमिटिंग या डायरिया, अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर को तुरंत बताएं, इसको देना बंद कर दें बच्चे को। तो ये तो हो गया इसका रिव्यू। इसके MRP तो इसमें लिखा नहीं है, सैंपल का पीस है। तो ये इसका मेजरमेंट करने के लिए ऐसे कप है, कप से मेजरमेंट कर सकते हैं आप, 5 ml, 10 ml। बाकी इसके बारे में और मैं वीडियो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपके माइंड में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करिए, आपको इसका रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ।